हाय फ्रेंड्स, हम सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई घर संभाल रहा है, और हम सब अपनी तरफ से सब सही कर रहे हैं। जो कर रहे हैं सब सही है। प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हर दूसरे इंसान को लगता है दूसरा गलत कर रहा है, मैं सही कर रहा हूँ, ऐसा ही है। बट हाउ टू जज इट कि क्या सही है और क्या गलत है। तो एक फिलोसोफर हैं मिस्टर माकीगुची, ही टोल्ड अ थ्योरी कि राइट और रॉन्ग में हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एक चीज़ की एक के लिए राइट है तो दूसरे के लिए वो रॉन्ग हो सकती है। मोस्टली आपने सुना होगा, एक की स्टोरी सुनो लगता है ये सही कह रहा है, दूसरे को सुनो अरे ये भी सही कह रहा है, तो गलत कौन है। तो राइट एंड रॉन्ग में हमें नहीं जाना है, हमें क्या करना है, हमें वैल्यू में जाना है कि एम आई क्रिएटिंग वैल्यू बाय डूइंग समथिंग। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक बच्चा है, बहुत भूखा है और वो एकदम दौड़ता हुआ जा रहा है, और उसने एक जगह देखा ब्रेड कहीं थी और उसने उठाई और भाग गया, चोरी कर ली। अब पीछे से पुलिस वाला आया और मैं उस सबको देख रही हूँ, और उसने मुझसे पूछा अपने बच्चे को जाते हुए कहीं देखा, मैंने देखा, लेकिन व्हाट शुड आई डू। राइट तो ये है कि मैंने देखा, और आई शुड से कि यस मैंने देखा, वो इस साइड गया, लेकिन वैल्यू क्रिएट होगी उस बात में, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। नाउ अगर मैं उसको सही बता देती हूँ, राइट एंड रॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं सही बता देती हूँ कि हाँ जी देखा और बच्चा इधर गया, तो वो बच्चे को अरेस्ट कर लेगा, बच्चा के कोई भी बेल नहीं कराएगा, चोरी तो चोरी है, और वो बच्चा उसकी लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी, उसके माँ बाप की लाइफ खत्म हो जाएगी, सब कुछ खराब हो जाएगा। अब मुझे करना क्या चाहिए, वैल्यू किस में है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मैंने नहीं देखा, पर मैं देन उस बच्चे के पास जाती हूँ और बच्चे को समझाती हूँ, उसको सपोर्ट करती हूँ, उसको इनक्रेज करती हूँ, और कहीं उसको हेल्प करती हूँ उसकी लाइफ बिल्ड करने में। दिस इज़ कॉल्ड वैल्यू क्रिएट करना, राइट एंड रॉन्ग में नहीं जाना। कोई चीज़ खो गई सपोज़ मेरी, और मुझे लगता है कि मेरे बेटे ने रखी थी या मेरे हस्बैंड ने रखी थी, और उसको याद नहीं है, और आप उससे पूछते जा रहे हो कि नहीं आपने तो रखी थी, है ना। सो क्या होगा, ही विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड ही विल शाउट एट यू, नो 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 मैंने नहीं रखा, ये वो, है ना। सो आप क्या करते हो, आप उसको आराम से सोचते हो कि कहाँ रखी होगी, किधर होगी, तो लेट मी फाइंड आउट। तो आप उसको ढूंढ के आप अपना काम कर लेते हो, और थोड़ी देर में भी उनको याद आता है कि अच्छा कहाँ से मिली, तो आप बताते हो तो उनको याद आ जाएगा कि हो मैंने ही तो की थी, ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैंने एक बार ऐसी चाबी नहीं मिल रही थी तो मैंने पूछा कि कहाँ रखी, तो बोला गया कि मुझे नहीं पता, नो मैंने नहीं रखी। पर जब मैंने सोचा कि कहाँ रखी होगी, मॉर्निंग में लॉक खुला होगा, न्यूज़पेपर उठाया होगा, तो अल्टीमेटली मैंने देखा वो किसी पॉट में पड़ी थी, और मैं उठाया, लॉक किया, वापस आ गई। तो थोड़ी देर बाद जब मेरे से पूछा तो मैंने बताया कि हाँ वहाँ पड़ी थी, तो दैट पर्सन कुड रियली रियलाइज कि यस मैंने तो रखी थी। सो नाउ देयर वाज नो कन्फ्लिक्ट, अदरवाइज देयर वुड हैव बीन ड्रिफ्ट, नहीं नहीं आपने किया था, ऐसा किया था। सो हमें वैल्यू क्रिएट करना है। उस पर्सन को रियलाइजेशन में ज़्यादा हुआ होगा कि मैंने रखा, गलत जगह रखा, है ना। तो अगर हम उसको प्रूव करने में लग जाते हैं, नहीं 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 आपने किया, ऐसा किया आपने, तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। सो राइट रॉन्ग में नहीं जाना है। और फिर भी हमें बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें नहीं पता चलता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू लिव, व्हाट डिसीजंस टू टेक। एक और कॉन्सेप्ट है 24 आवर्स टू डाई। सो एक किसी ने पूछा किसी गुरु से कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू लिव। गुरु ने बोला मैं बता तो देता पर आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और आप मरने वाले हो। वो पर्सन बहुत परेशान हो जाता है और वो कहता है ओ आई हैव टू रश, आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। गुरु से कम कम आई विल टेल यू व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू लिव। नो 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 आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो ही सेज आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स। सो ही गोज़ होम और अपने माँ बाप को वो बहुत प्यार करता है और उनसे माफ़ी मांगता है कि मैं आपके कुछ कर नहीं पाया सेवा, और मैंने आप पे ध्यान नहीं दिया,
और फिर अपने फ्रेंड के पास जाता है, उसको 1,00,000 रुपये देता है कि मैंने चीटिंग किया था तुमसे, और ऐसे ऐसे वो सारी करेक्शंस करता है जो उसको उसने गलत की थी आज तक और जो उसको करनी चाहिए थी एज अ गुड ह्यूमन बींग. तो एंड में उसके पास 2 घंटे बच जाते हैं, तो वो सोचता है मैंने कभी भगवान को तो याद ही नहीं किया. तो बैठ जाता है तो प्रेयर कर रहा होता है, इतने में गुरुजी आते हैं, कहते कम कम आई टेल यू व्हाट इज द करेक्ट वे टू लिव. दिस इज नो 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 नो, आई जस्ट हैव 2 आवर्स, आई हैव टू प्रे फॉर माई नेक्स्ट लाइफ. सो ही इज प्रेइंग, 24 घंटे निकल जाते हैं और पूछता है गुरुजी ये क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ. गुरुजी बोलते हैं दिस इज द करेक्ट वे टू लिव, रिमेंबरिंग दैट आई एम गोइंग टू डाई, दिस इज द करेक्ट वे टू लिव. सो इफ यू रिमेंबर that ultimately I'm going to die soon, maybe 10 years, 50 years, so it's not a, so if I remember this, I'll definitely do things in a right way. I will not hurt people, I'll not cheat people, so I will do the things in a right way, create value. So let's always remember, I'm only, there are 24 hours to live. Every day we should live life in such a way, thinking that today is going to be my last day. Thank you.